मेष राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5 PM के उपरांत आप सभी के घर में एक देवता आने वाला है। जी हां दोस्तों, यह एक देवता आप सभी से एक चीज मांग रहा है और पिछले 10 साल से आपके घर के चारों तरफ घूम रहा है और आपको कई बार इन्होंने बहुत सारे संकेत दिए हैं लेकिन आप इन्हें नजरअंदाज कर दिए हैं। जाने या फिर अनजाने आपके हाथों यह गलती अवश्य ही हुआ है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अभी हर देवता क्रोधित हो चुका है, अब आप कोई गलती ना करें या देवता आपके घर आ रहा है, इसे एक चीज जल्दी दे दीजिए नहीं तो यह जीवन को बर्बाद कर देगा। दोस्तों सच्चाई जानकर आप सभी की आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, होश उड़ जाएंगे। आने वाले अगले 3 दिनों का समय आपके लिए कलयुग का सबसे बड़ा भाग्यशाली समय साबित होगा। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, बहुत बड़ी घटना आप सभी के जीवन में होने वाला है। दोस्तों इसलिए हम आपसे हमेशा हाथ जोड़कर न निवेदन करके वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की जितने भी सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए माता रानी का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा। यह एक देवता शाम 5:55 के बाद आपके घर में आने वाले हैं और ये दोनों देवता आपसे किसी चीज की मांग कर रही हैं। अब यदि आपने इनकी मांग को नहीं समझा और यह जो मांग रहे हैं उसे आपने नहीं दिया, ये दोनों देवता आपसे पूरी तरह से नाराज हो जाएंगे और इनका करो आपके ऊपर टूट पड़ी का। अब प्यारे दोस्तों ध्यान से समझो, यह देवता पिछले 9 वर्षों से आपकी रक्षा कर रहे हैं और समय समय पर यह आपके पास आते हैं लेकिन आपको इनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन अब आपके पास एक आखिरी मौका है। अगले 3 दिनों में एक विशेष प्रयोग के दौरान यह दोनों देवता आपके घर में फिर से आएंगे और इनके आने के कुछ बड़े संकेत भी होंगे। अब आपकी कुल देवी या फिर आपकी पितृ देवता ने ही ए हैं आपके लिए, आपके उद्धार के लिए आपके पास भेजा है। अब ऐसे में यदि आपने इन संकेतों को नहीं समझा और इन्हें नहीं पहचान पाए, यह आपसे भयंकर नाराज भी हो सकती है। और एक बार यह आपसे नाराज हो गए तो फिर ना केवल यह देवता का क्रोध बल्कि आपके पितृ देवता और आपके कुल देवी या देवता का क्रोध भी आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन यदि एक बार यह आपसे प्रसन्न हो गए तो फिर यह आपको हो सब कुछ दे सकते हैं जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे। आपकी जिंदगी धरती पर ही स्वर्ग के समान सुंदर बना देंगे। अब चाहे आपको करोड़ों की दौलत चाहिए हो, वह करोड़ों की दौलत भी आपको देंगे। चाहे कर्जे से मुक्ति चाहिए हो, काम धंधा व्यापार में उन्नति चाहिए हो तो उन्नति आपको देखे कर्जे से मुक्ति देंगे। चाहे संतान सुख चाहिए या फिर किसी का प्रेम पाना हो, किसी से विवाह करना हो तो आपका विवाह भी करवाएंगे। आपको इसी का प्रेम ही चल पाएंगे, यानी कि हर वह बात जो आप चाहते हैं आपको लाकर देंगे। लेकिन इनको पसंद कर पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए इन्हें समझना जरूरी है कि कौन देवता है और इन्हें कैसे पसंद करना है। इसके लिए कुछ जरूरी उपाय करनी है और इनकी जो जरूरी 2 मांगे हैं उन्हें भी आपको पूरी करनी है। यदि आप इनकी मांग पूरी कर देते हैं, कुछ जरूरी उपाय कर लेते हैं और उन उपायों को सही समय से सही विधि विधान के साथ नियम के साथ कर लेते हैं तो यह देवता 100% आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में ही हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएंगे और आपके जीवन में हर उस चीज को लाकर आपको देंगे जो आप चाहते हैं। आज की यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन का सबसे शानदार ज्योतिष कार्यक्रम होने जा रहा है क्योंकि इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको इन देवताओं के बारे में पूरी जानकारी देंगे और इन्हें कैसे प्रश्न करना है, कौन से वह कार्य हैं, कौन से उपाय हैं जो आपको करनी है, इसके बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताएं। बस आपको करना यह है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है। प्रिय मित्रों यदि आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा नहीं देखेंगे या इसमें बताई गई बातों को हल्के में लेंगे या मजाक समझकर आगे बढ़ जाएंगे तो आप अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर मार लेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों हमें पता है फिर आप अनजाने में कोई ऐसा कार्य करेंगे, कुछ ऐसी गलतियां करेंगे जिनसे कि यह दोनों ही बता नाराज हो जाएंगे
और आपके ऊपर अपना क्रोध बरसाने लगेंगे। प्रिय मित्रों, अब चाहे आप यह कार्य गलती से ही करेगा, लेकिन गलती से भी किया गया कार्य का नतीजा तो गलत निकलेगा ही। जैसे बिजली के तार को आप चाहे गलती से छुए या जानबूझकर छोड़ें, करंट तो आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक इसी प्रकार यह दोनों देवता इतने तीव्र हैं कि यदि यह आपसे नाराज हुए तो यह आपको सजा देंगे ही देंगे। फिर चाहे आपने गलती से इन्हें नाराज किया या चारभुजा किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही मैं आपको यह ज्योतिष कार्यक्रम देखना बहुत अधिक आवश्यक है। प्रिय मित्र, बहुत मेहनत से, बहुत ज्ञान एकत्रित करने के बाद, शास्त्रों के अध्ययन के बाद और फूड ज्योतिषियों और गणितीय आकलन करने के बाद इस तरह के ज्योतिष कार्यक्रम बनाए जाते हैं। इस ज्योतिष कार्यक्रम को बनाने में हमने हमारी टीम के साथ दिन रात मेहनत करके ज्ञान की बातें एकत्रित की हैं। और आपके शिविर में चल रही पीसीएस ग्रह योगों के अनुसार बिल्कुल सटीक जानकारी और सटीक राशिफल देने की पूरी कोशिश की है। तो अब ऐसे में आपको इतना महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इसे पूरा देखना है, तभी आपके जीवन में कुछ भी बदलाव आएंगे। वरना सब कुछ जो का क्यों रहेगा और आपको वह कभी भी हासिल नहीं हो पाएगा जिसके आप सचमुच में लायक हैं। तो चलिए आज के इस विशेष और जीवन को बदलने वाली ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, इसलिए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं तीन बार लिखना, जय मां दुर्गा कृपा करो। ठीक इसी प्रकार आप हो कमेंट में AUM नमः शिवाय भी अवश्य लिखना है, क्योंकि अब सावन का समय नजदीक आ रहा है और हमें होली बाबा की शरण में जाना ही होगा, क्योंकि एक भोले बाबा ही ऐसे हैं जो किसी के भी भाग्य में लिखे को भी पलटने की शक्ति रखते हैं। यानी कि मैं तक कठिन गोपाल के मंत्र महामुनि विश्वविद्यालय के, तो अब भोले बाबा का समय आ रहा। अली बाबा मृत्यु लोक में निवास करेंगे तो उनका भी आभार हमें व्यक्त करना ही होगा। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी अवश्य तबाही थे। इस चैनल में जो भी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं पूर्ण रूप से माता रानी की सेवा में समर्पित होती हैं। तो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपके ऊपर अपनी आप माता रानी की छाया और उनकी कृपा आ जाएगी, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, सत्य से मीठा दुनिया का कोई फल नहीं और झूठ कितना भी बोलो उसका कोई हल नहीं, वही सिर्फ आपको और अधिक भूल जाएगा ही। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मैं किसी का भाग्य की नहीं बनाता और ना ही मैं किसी के कर्मों का फल उसे देता हूं। यह तो आप स्वयं ही हैं जो अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, इसीलिए धैर्य रखिए और इंतजार करिए। सही समय आने पर आपको वह सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए आपने मेहनत की है, प्रयास की है। तुम्हें बस यही याद रखना होगा कि किस्मत आपको धोखा दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत है और आपका इंतजार आपको कभी धोखा नहीं देता है। इसीलिए कहा जाता है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यवान हैं कि यह दोनों देवता आपके जीवन में आपके घर में आने वाले हैं और आपके जीवन को खुशियों से भरने वाले प्रिय बंधुओं, ध्यान से समझो, जब कोई दैवीय शक्ति या देवी या देवता किसी के घर जाते हैं, उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, तो इसके पीछे उनका कोई ना कोई बड़ा मकसद अवश्य होता है। और जब तक उनका वह मकसद पूरा नहीं हो जाता है तब तक विधि बता बार बार आपके जीवन में आते रहते हैं और आपको संकेत देते रहते हैं। अब ऐसा नहीं, देवता ने स्वयं ही आपके घर में आने को चुना है। आपके ही किए गए कुछ ऐसे कर्म हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे वे प्रसन्न हुए हैं और आपके भाग्य को बदलने के लिए यह आपके जीवन में आपके घर में आना उन्होंने चुना है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो उठ सकता है कि आखिर हमने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिससे कि देवी देवता स्वयं आने के लिए तैयार हो गए और जीवन को बदलने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बताएं कि पिछले कुछ समय से यह कहे कि लंबे समय से आप बड़ी ही दुख और तकलीफों से गुजर रहे हैं। कुछ समस्याएं तो आपके जीवन में ऐसी हैं जिनका हल निकाल पाना लगभग नामुमकिन है।
और आप लगातार लोगों के धोखे, अपमान और तिरस्कार के भी शिकार होते रहे हैं। लोग अक्सर आपके साथ ऐसा करते हैं कि मतलब होता है तो आपके नजदीक आते हैं और आपसे अपना काम निकल जाने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं, आपको भूल ही जाते हैं। और यह लोग कोई पढ़ाई नहीं है, आपकी अपनी है और ऐसी अपनी है जिनके बारे में आप ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो जब आपने इन लोगों की ऐसी चेहरे देखे, ऐसे बर्ताव को देखा, तो आप बहुत अधिक दुखी हो गए। अब हम आपको बता दें कि पूरी राशि चक्कर में आप एकमात्र ऐसी राशि है जो अपने दिल से ज्यादा सोचते हैं। दिमाग से कब सोचते हैं? खास तौर से जब अपने रिश्ते नातों की और अपनों की खुशी की बात आती है तो आप हमेशा बस एक ही कोशिश में रहते हैं कि जो आपकी अपनी है, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, वह हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहे। कहने का मतलब यह है कि आपके दिल का भोला भालापन, आपकी नेक और सच्ची नीयत और लगातार आपके दिल के दुखने को, या यूं कहें कि लगातार आपकी अंतर्मन को हो रहे कष्ट को हिंदू देवताओं ने देख लिया है। अब हम आपको यहां पर बता दें कि आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं और आपकी पूजा पाठ करने का तरीका थोड़ा दूसरों से अलग है। आप जब भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो आप भगवान को पित सच्चे मन से याद करते हैं, मन ही मन उनसे बहुत सारी बातें करते हैं और अपनी दुख और तकलीफों को बताते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जी, भगवान हमारी इन तकलीफों से हमें छुटकारा दिलवाने। कहने का मतलब यह है कि आप यह बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अब इस संसार में लोग आपका केवल दुरुपयोग ही करेंगे, शोषण ही करेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। इसलिए आप अब अपने मन की बातें दुनियादारी के लोगों को नहीं बताते हैं, सीधे भगवान को बताते हैं। और एक बात याद रखना कि जो लोग श्री भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनके मन से अपने मन को मिलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग भगवान को बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। अब पिछले कुछ समय से आपके साथ ये हो रहा, आपकी भक्ति मानसिक अधिक हो रही है, दिखावेबाजी की बाहरी भौतिक भर्ती कब हो रही है। आप मन ही मन में भगवान का सुमिरन खूब करते हैं, मन ही मन भगवान की भक्ति करते हैं भी सकता है, ऊपर से आप बिल्कुल भी कुछ भी ना दिखाएं, लेकिन आपका अंतर मन भगवान से लगातार चढ़ा रहता है। अब यह सारी जो संकेत हैं, ये एक सच्चे साधक, सच्चे इंसान और सच्चे भक्तों के संगीत होती है। और इन्हीं संकेतों को भगवान हर एक भक्तों के मन में देखना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपकी भक्ति भगवान के प्रति, प्रेम धर्म के प्रति भाव आपका इतना गहरा हो चुका है कि अब भगवान ने खुद यह निर्णय लिया कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्त किया जाए। अब प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने सारे कार्य अच्छे ही किए हैं, अनजानी में ही सही, लेकिन आपने कुछ बड़ी गलतियां भी की हैं और उन गलतियों की आपने सजा भी पाई है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है प्यारे दोस्तों कि आपने चाहे भले ही किसी का दिल दुखाया हो, किसी का अपमान किया हो या फिर किसी के साथ किसी भी प्रकार से कुछ भी गलत किया हो, लेकिन उस गलत को करने के पीछे आपकी नीयत अच्छी थी। आपने जानबूझकर नहीं, मजबूरी बस ऐसा किया था और इस बात के लिए आप अब तक पछतावा है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए पछतावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जीवन इसी प्रकार चलता है। यहां कुछ भी एक जैसा नहीं है, जहां जीवन में दुख है तो वहां सुख भी है, दोनों एक साथ चलते हैं, जहां जन्म है तो वह मृत्यु भी है, ये तो एक चक्र है। और कभी कभी जीवन अनजाने में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देता है कि मजबूरी हो जाती है, किसी के साथ नाइंसाफी करना, गलत कार्य करना। लेकिन मन में यदि पछतावा है और उस गलती को सुधारने के लिए कुछ कार्य किए जा रहे हैं, मन में भाव रखा जा रहा है, तो वह गलती भी क्षमा करने योग्य हो जाती है। अब प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनो जो बातें अब आपको हम बताने जा रहे हैं, आने वाले समय में आपके बड़े ही काम आने वाली और आपको बहुत भारी मुसीबतों से बचा सकती है। ये मित्रों, ग्रहों की चाल क्या कह रही है और आपके जीवन में कौन सी विशेष परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, इसी के साथ साथ कौन सी रथु बड़ी देवता हैं जिनकी पूरी कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर आ चुकी है और उसका लाभ आप कैसे लिपाई के, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शक्तिशाली उपाय जैसे आपको अवश्य ही अगले 3 दिनों में कर लेना चाहिए, तभी इन दो बड़े देवता की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और ना ही आपसे नाराज हो जाएगी। हमें तो आपको पूरा देखना है, बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना,
वरना आपकी जिंदगी में तबाही निश्चित है, क्योंकि चाल भी आपके ऊपर पूरा और गहरा प्रभाव डालने वाली है। तो ऐसे में जितनी सावधानी और सतर्कता अपवर्तनगे, उतनी ही जीवन में सुख और खुशियां प्राप्त करेंगे। तो अब ध्यान से सुन, अगले 3 दिनों में आपको एक ऐसी खबर मिली कि जिसे सुनने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि इन 2 दिव्य शक्तियों ने आपके ऊपर कृपा करती है। आपके जीवन में खुशियों की अब शुरुआत हो चुकी है। 3 दिनों में आपको एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर आपका मन झूम उठेगा और भविष्य के लिए आपके मन में नई उम्मीद है, बदलने लगेंगे। लेकिन प्रिय मित्र, हमेशा हाय के साथ बुराई तो रहती ही है, तो जहां आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी, वहीं आपके सचिव धोखेबाज तैयार हो जाएंगे और विधि आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगले 3 दिनों में आप ही एक ऐसे व्यक्ति से सामना होगा, एक ऐसे व्यक्ति से काम पड़ेगा, तो आपको किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने में मदद तो करेगा, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति से आपको एक बड़ा धोखा भी मिलेगा। जहां एक तरफ आपकी मदद करने के लिए तैयार है, वहीं शत्रु भी आपके खिलाफ और आपको धोखेबाजी करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान के द्वारा दिया गया धोखा आपको बहुत दुखी कर देगा, आपका मन विचलित हो जाएगा। प्रिय बंधु, हम आपको बता दें कि यदि आप नजदीकी भविष्य में यानी 8 से 10 दिनों में किसी काम धंधा व्यापार की शुरुआत करने के बारे में सोच रही हैं, कहीं पर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब भी आप रुक जाएं। कहीं भी किसी भी प्रकार से यदि आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, काम धंधा व्यापार में यदि अधिक पैसा लगाएंगे, तो आपको निश्चित 100% घाटा ही होगा। आपका पैसा उलझ ही जाएगा और ना ही आपको किसी को पैसा उधार देना है और ना ही अनावश्यक कार्यों के लिए कर्जा लेना है। दोनों ही परिस्थितियों आपके लिए खतरनाक होने वाली है और इसका कारण है शनि की बकरी चाल है, जो 29 जून से होने जा रही है और पूरे 129 दिनों तक रहेगी। अब आप खुद ही समझ गए कि जब कोई कहे अपनी चाल को एकदम से बदलता है, शुरुआत के कुछ दिनों तक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है, तो उसका प्रभाव शुरुआत के कुछ दिनों में बहुत ही गहरा होता है। फिर सब कुछ धीरे धीरे साधारण होने लगता है, लेकिन शुरुआत में खुश मिलकर रहने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ प्रिय मित्र, आपको अपनी वाणी पर भी पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना होगा। किसी के भी बीच में आपको नहीं बोलना है, तो लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रही है, आपको बस सुनना है, बोलना नहीं है। किसी की भी बातों में बीच में पड़ेंगे तो आपके ऊपर आरोप लग जाएंगे, आपका झगड़ा हो सकता है। व्यर्थ के विवादों में आपको नहीं पड़ना है, किसी से नहीं करनी है, अनावश्यक चर्चाओं को आगे नहीं बढ़ाना है, बात जितनी हो सके उतनी कम से कम शब्दों में समाप्त करने की कोशिश करें। अब ऐसे में होगा यह है कि आप जब किसी से किसी प्रकार की चर्चा करने के लिए बैठेंगे, चाहे भले ही दोनों के बीच ही क्यों ना बैठे हों, तो लोग जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य बोलेंगे कि आपके मन को चोट पहुंचेगी, आपके पुराने जख्म, पुरानी बातों को खरीदने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका दिल दुखी होने लगेगा, क्योंकि वह आपकी कमजोरी है। और इन बातों से दुखी होकर आप अपना मन खराब कर बैठेंगे और इसका प्रभाव आपके कार्य पर, आपके जीवन पर भी पड़ेगा। तो आपके लिए हमारी सलाह यही है कि आप लोगों से उतनी ही बात करें जितनी की आवश्यकता है। किसी से बहस हो, चाचा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है कि आपके जीवन में उन्नति, तरक्की और ईश्वर का सच्चा प्रेम और आशीर्वाद भी तभी आएगा जब आप अपने काम में पूरा मन लगाएंगे और अपने कर्म को ही पूजा बना करके सच्चे मन के साथ उसे करेंगे। अब प्रिय मित्रों, आपका यदि किसी के साथ कोई विवाद, कोई झगड़ा या किसी प्रकार की संपत्ति और रुपए पैसे या प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा विवाद हो रहा था, कानूनी मामला अटका पड़ा था, तो अब उसमें कतिया जाएगी। अगले 3 दिनों में उसमें कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जिसे जानकर आपको खुशी होगी और उसका फैसला भी हो सकता है, और जो अपने लहू का वह आपके पक्ष में ही होगा। अगले 3 दिनों में कोई ना कोई एक ऐसा धार्मिक कार्य भी होगा, इसमें आपको शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा, या फिर हो सकता है कि आप किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर जा सकती हैं। यह किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं, या फिर मंदिर में हो रहे किसी विशेष प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान में आप अंशदान वगैरह भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए
तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जितना आप भगवान से जुड़ेंगे और भगवान के पास जाएंगे, उतना ही आपको सुकून और सुख प्राप्त होगा। और जब आपको यह मौका स्वयं भगवान दे रहे हैं, तो आपको अवश्य ही इसमें शामिल हो जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं थोड़ी उत्तल पुथल भरी है, और कुछ चीजें आपके नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर हैं। आप चाहकर भी उन चीजों को अपने नियंत्रण में कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में जब आपको किसी धार्मिक अनुष्ठान में पूजा पाठ में भाग लेने का मौका मिल रहा है कि यह असल में ईश्वर के द्वारा दिया जाने वाला एक बड़ा संगीत है। इशारा है कि उन्होंने आपकी मुराद सुन ली है, अब आपकी इच्छा पूरी करने वाली है। आपको वह मिलने वाला है जिसके लिए कि आप लंबे समय से ही परेशान थे, तड़प रहे थे। अब प्यारे दोस्तों, यहां पर आपको एक बहुत जरूरी कार्य है जो करना है, और वह कार्य है कि हमेशा सकारात्मक रहना है। आपके जीवन में चाहे कितना ही गलत हो रहा हो, चाहे कितनी ही नकारात्मक परिस्थिति हो, लेकिन आपको अपने मन में सकारात्मक भाव रखना है। और यह आप कैसे करेंगे? यह आप करेंगे ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर। हमेशा नाम जप करें जिसमें भी आपकी आस्था हो, उन देवी देवता का नाम जप करें, विशेष विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करें, और यदि हो सके तो आप दिन में एक बार कम से कम का मंदिर अवश्य को आया करें। याद रखें कि मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि यदि आप सच्चे भाव को लेकर मंदिर में जाते हैं, तो आप दिन भर की थकान और ईशानी और मानसिक पीड़ा है एक क्षण में समाप्त हो जाती है, और वहां से आप भरपूर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। अब प्यारे दोस्तों, यहां पर एक जरूरी बात है जो आपको ध्यान देने योग्य है कि इस समय आपको थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको पेट और कमर दर्द और कमर के निचले हिस्से में तकलीफ में रह सकती है। सिर दर्द, मानसिक थकान और लगातार चिड़चिड़ापन भी आपके स्वभाव में बना रह सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जितनी सकारात्मक रहेंगे, जितना अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे, उतनी ही आप तरक्की करेंगे और भगवान की भी बहुत अधिक प्रिय रहेंगे। अब प्यारे दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि आपको पानी बहुत पीना है और योग प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करना है, और थोड़ी बहुत आपको कसरत भी करनी है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की यह एक बड़ी समस्या है कि आप जब अपने कामकाज में लिप्त हो जाती है तो सब कुछ भूल जाते हैं, अपने शरीर के बारे में भी नहीं सोचते हैं, खान पान के बारे में भूल जाती हैं, और इस वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में शामिल हो जाती हैं। तो ऐसे में आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए समय अवश्य निकालें। यही आपके लिए हमारी सबसे बड़ी सलाह है। तो यही तो मित्रों, गोचर के आधार पर आपका राशिफल कि आपको कौन से कार्य करनी है और कौन सी कार्यों से बचना है। अब प्यारे दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं उन व्यक्तियों के बारे में जो आपके जीवन में अगले 3 दिनों में प्रवेश करने वाली हैं। तो 100 वर्ष का यह जो समय चल रहा है, इस समय कुछ ऐसी चीज परिस्थितियों का निर्माण होता है कि कुछ विशेष शक्तियां आपकी राशि के जातकों की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन आप उनके बारे में कोई भनक तक नहीं लगती है, क्योंकि इसके बारे में आपको बताने वाला कोई है ही नहीं। प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखें कि ग्रह गोचर के आधार पर दिव्य शक्तियों का प्रभाव जीवन पर बनता और कम होता रहता है। अब ऐसे में यदि आप इन व्यक्तियों के प्रभाव को समझना सीख जाएं और इंद्रियों को प्रसन्न कर दें, तो आपके जीवन से सारे दुख अपने आप ही समाप्त होने लगेंगे। तो ध्यान से सुने, इस समय जो ग्रह गोचर है उसके हिसाब से आपके जीवन में सबसे पहले भी शक्ति है माता अन्नपूर्णा। मित्रों, इस समय माता अन्नपूर्णा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। अगले 3 दिनों में किसी भी समय आपके जीवन में आएगी और आपको अपना आशीर्वाद दें कि अब प्रिय मित्र, आपको यह समझना जरूरी है कि माता अन्नपूर्णा क्यों है और क्यों वह आपके जीवन में आना चाहती हैं। आपके जीवन से दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि माता अन्नपूर्णा और कोई नहीं, माता पार्वती का ही स्वरूप है, और माता अन्नपूर्णा की कृपा जिसके जीवन में होती है, उसके जीवन में सबसे पहला प्रभाव तो यही होता है कि वह पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। अब प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनो,
कि माता अन्नपूर्णा का पास आपके घर में कहाँ होता है, तो आपका जो रसोई घर है उसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। और माता अन्नपूर्णा केवल और केवल आपसे यह चाहती हैं कि अगले 3 से 7 दिनों तक आप लगातार अपने घर की रसोई घर में उनके नाम से एक गाय के घी का दीपक जलाएं। व मित्रों, और अपने घर के जो रसोई घर है उसकी उत्तरी दीवाल से चिपका कर कर आप इस दीपक को चलाएं। अब दीपक जलाने का विधान है, यह है कि आपको दीपक यूं ही जमीन पर नहीं रखते, ना है किसी पानी के बर्तन के ऊपर ढक्कन रखें और उस ढक्कन पर आप थोड़ा सा अन्न रखें और उस अन्न के ऊपर आप इस दीपक को रखें। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी रख सकते हैं और उस आटे के ऊपर आप इस दीपक को रखें, और जब आपका दीपक शांत हो जाए तो जो आटा अपनी कठोर पर रखा है उस आटे को आप किसी को दान में दे सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं। आप चाहे तो उस आटे से एक रोटी बनाएं और उस रोटी को आप गाय को खिला दें। बस इतना सरकारी आपको अगले 7 दिनों तक करना होगा। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, दूसरे दिन भी सकती है। भगवान धन्वंतरि याद रखना कि जहां माता अन्नपूर्णा जाती हैं तो उनके पीछे पीछे भगवान धन्वंतरि भी अवश्य ही चलते हैं, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है और शास्त्र अनुसार है। जिस घर में माता अन्नपूर्णा होंगे वहां किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहनी चाहिए, और यह कार्य भगवान धन्वंतरि का है। धन्वंतरि असल में देवी देवताओं के वैद्य हैं और उन्हीं के हाथ में अमृत कलश है, तो आप समझिए कि वह कितने शक्तिशाली है। तो अब जब यह दोनों दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश करेगी तो आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। याद रखें प्यारे दोस्तों की आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि पहला सुख है निर्मल काया दूजा सुख घर में माया। या तो जब यह दोनों शिव शक्ति आपके जीवन में आएगी तो पहला सुख मिलेगा आपको, यानी कि निर्मल काया। और निर्मल काया का मतलब यह नहीं कि कोई भी रोग नहीं है शरीर में, निर्मल काया का मतलब यह है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी चरम सीमा पर हो, कि आप जो चाहेंगे वह आपकी ओर आकर्षित होगा, आप जिससे भी जो कुछ भी कह देंगे वह आपकी बात मानेगा और आपके शत्रु आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। अब आपको यही चाहिए कि आप इन दोनों दिव्य शक्तियों की कृपा जीवन भर प्राप्त करते रहे। तो हम तो आपसे केवल यही कहेंगे कि आप न केवल 7 दिनों तक बल्कि जीवन भर अपने रसोई घर में रात्रि के समय जब खाने पीने का काम समाप्त हो जाए साफ सफाई दीपक माता अन्नपूर्णा के नाम से अवश्य ही चलाते रहें, तो जीवन भर आपको इनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी और आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। मित्रों, कई लोगों के जीवन में यह उपाय करवाया है और उनके जीवन में बड़ी ही चमत्कारी परिणाम आए हैं। कुछ लोगों ने तो इतना तक कहा है कि गुरु जी, पहले जहां हर काम में हमें फलता मिलती थी वहां स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारा पूछा ही नहीं छोड़ता है, मिट्टी को भी हाथ लगा देते हैं तो वह सोना बन जाती है। बड़ी बड़ी उच्च अधिकारियों से और उच्च वर्ग के लोगों से हमारी पेट हो गई है, यह सब क्या है? यही सब भगवान की ही तो कृपा है। और जिस पर माता अन्नपूर्णा की कृपा है उस पर तो भगवान भोलेनाथ की भी कृपा होगी, क्योंकि वे तो स्वयं माता पार्वती के साथ ही चलते हैं। असल में यह एक बहुत बड़ी क्रिया है, लेकिन इसे समझ पाना सबके बस की बात नहीं है, लोग इसके बारे में जानते तक नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस विशेष योग और इस विशेष समय के बारे में जो बातें हमने आपको बताई हैं इस शास्त्रों में लिखी हैं, शिव पुराण में लिखी हैं, और यहां तक कि लाल किताब में भी इसके बारे में विशेष व्याख्यान देखने को मिलती है, लेकिन लोग बिना पढ़े आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, इसलिए कभी भी सही बातें आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो प्रिय बंधुओं, अब जो बातें हमने आपको बताई हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और अपने जीवन की हर एक दुख तकलीफ को खुद ही समाप्त कर देंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, सीधे कमेंट बॉक्स में पूछें। तो इसी के साथ साथ आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, ध्यान में अपनी आस्था बनाए रखिए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में, सच्चे भाव के साथ बोलिए जय माई की जय, मां दुर्गा माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। धन्यवाद।